प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, श्री राज श्यामा जी की मेहर से इन वीडियो के माध्यम से शोभा देखते हैं। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में आई बट पीपल की चौकी की अति सुंदर शोभा को निरखने का प्रयास करते हैं। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में अग्निन और नैऋत्य कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं उनके सन्मुख बट पीपल की चौकी आई है। श्री रंग महल के चबूतरे के साथ साथ तो 1500 मंदिर की लंबी, पूर्व से पश्चिम 1500 मंदिर की लंबी और उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी अपरंपार शोभायमान हो रही है। और ये 1500 मंदिर इन बाहरी हार मंदिरों की भीती दीवार से बांधे गए हैं। इन 1500 मंदिर का जो हिसाब है वो भीती दीवार से है। इन मंदिरों की बाहरी दीवार से देखते हैं तो 1470 चरोखी इन बट पीपल की चौकी पर और दोनों तरफ जो ये 16 हाथ के चबच्चे आए हैं 15-15 चरोखी इन चबच्चों पर आते हैं। तो हम सबसे पहले शिराजी श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए खुद को महसूस करते हैं अगेन और नृत्य कोने के मध्य रंग महल के दक्षिण दिशा में जो एक मंदिर की चोड़ी धाम रोस आई है उन धाम रोस पर खुद को महसूस करते हैं। हम इन धाम रोस पर हैं दक्षिण दिशा की और हमारे दक्षिण तरफ बट पीपल की चौकी। हम धाम रोस पे हैं और बट पीपल की चौकी की ओर मुख करते हैं तो हम देखेंगे धाम रोज से हास हास से सीढ़ियां आती हैं चांदों के द्वारा इन तले रोज पर धाम चबूतरे के साथ लगती इन एक मंदिर की रोज पर। और यहाँ पर जो हास हास पे चांदे आए हैं उन चांदों ने एक मंदिर की जगह इन रोज की पूरी कवर करी है। इन एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा और उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई तो ये तले जो एक मंदिर की रोस है वहां पर एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे लगे और उन चबूतरों के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई। तो हम इन धाम रोस पे हैं यहाँ से चांदों के द्वारा होते हुए भूम भर की सीढ़ियां उतरकर इन तले रोस पर आ गए। और हमें अगर परिक्रमा करनी है तो कैसे करें दक्षिण दिशा में रोस पर, क्योंकि इन रोस को तो चांदों ने घेर लिया। हास हास पर यहाँ पर चांदों से सीढ़ियां होती हैं हास हास के मध्य से। तो इन रोस के साथ लगते ही चौकी का पहला आड़ा नहर का चबूतरा, एक मंदिर का तो चौड़ा जिसमें 50 हाथ में गोम्बर गहरी नहर और 25-25 हाथ में रोसे। अगर हमें परिक्रमा करनी है तो हम इन 25 हाथ की रोस से होकर परिक्रमा करेंगे। दक्षिण दिशा में रमन करना है तो इन 25 हाथ की रोस से होकर रमन कर सकते हैं। तो इस तरह से इन धाम रोस से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम इन रोस पर आए। इन रोस के साथ लगता पहला नहर का चबूतरा जो एक मंदिर का तो चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा है, फिर 100 मंदिर की दूरी पर दूसरा नहर का चबूतरा, ऐसे 100-100 मंदिर की दूरी पर आड़े नहर के चबूतरे 6 आए। शोभा को अन्य नक्शे से देखते हैं, सदगुरु महर्षि जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। ये बाहरी हार मंदिर पीले रंग में धाम रोस वहां से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर इन तले रोस पर आए। तो इन रोस के साथ लगता पहला नहर का चबूतरा, पहला नहर का आड़ा चबूतरा, ये पहला नहर का आड़ा चबूतरा 100 मंदिर की दूरी पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसी 6 नहर के चबूतरे आड़े आए 500 मंदिर के स्थान पर। 500 मंदिर की चौड़ाई पर 6 आड़े नहर के चबूतरे 100-100 मंदिर के डिफरेंस से। लंबाई तरफ हमारे पास जगह है 1500 मंदिर। एक नहर की शोभा देख रहे हैं तो 50 हाथ में नहर, 25-25 हाथ में रोसी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, वन रोस पर उतरती सीढ़ियां,
फूलों की शोभा, अपरंपार शोभा। अब हम देखते हैं इन पहली नहरें 16 आड़ी नहरें आकर मिलती हुई, तो यहाँ पर 16 चौबच्चे इन पहली नहर में बनते हुए, इन पहली आड़ी नहर में हमें 16 चौबच्ची दिखाई देते हुए, तो 16 चौबच्चों की 6 हारे, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो 96 चौबच्चे तले की भूमिका में और 4 चौबच्चे ऊपर चांदी पर आए हैं। तो ये जो तले की भूमिका में 4 बच्चे आए हैं, इन एक एक 4 बच्चे से 5-5 फवारे उठते हुए, ये देखिए ये 50 हाथ का लंबा चौड़ा 6 बच्चा और इसको घेर कर 25 हाथ की ये रॉस और इनमें 5 चबच फवारे, एक मध्य में, 4 कोने में, ये फवारे चक्रीदार होके सुंदर शोभा बनाते ऊपर जाते हैं आसमान की ओर और पुनः इसी चबच्चे में समा जाते हैं। इस तरह से चबच्चों की शोभा। अब हम देखते हैं इन आड़ी खड़ी नहरों के आने से, क्योंकि ये नहरें सोसो मंदिर की डिफरेंस से आई हैं, तो नहरें जब आपस में कट रही हैं तो जो चौक बन रहे हैं 5 की 15 हार, ये जो चौक बन रहे हैं, ये चौक भी सो मंदिर के लंबे चौड़े, इन एक चौक की शोभा को देखते हैं। इन एक चौक की शोभा को हम देखते हैं, सो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में चबच्ची, नूर मई देती अति उज्जवल, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं में 8 मंदिर की लंबाई लेके सीढ़ियां और घेर कर बैठेगा। अब इन सीढ़ियों के ठीक सामने नहर की रौसों से भी वन तरफ 8 मंदिर की लंबाई लेके सीढ़ियां उतरती हुई, साम सामी सीढ़ियों की दूरी बन शोभा, चारों कोनों से भी सीढ़ियां उतरती हुई और इन दोनों सीढ़ियों के मध्य में भी सीढ़ी उतरती हुई, तो एक चौक में 4 दिशा की, 4 कोने की और ये दो चौके 8 ये, तो कुल 16 सीढ़ियां एक चौक में उतरती हुई महर्षि जी ने वर्णन किया है। तो ये देखेंगे 44 हाथ का तना, एक मंदिर का मोटा तना, इन चबूतरे के ठीक मध्य उठा 44 हाथ, 44 में मेहराब, ऊपर 12 में चित्रकारी, इन दोनों वृक्षों के मध्य 100 मंदिर का डिफरेंस है। मध्य वृक्ष से मध्य वृक्ष तक लेवे तो एक मंदिर तो ये हुआ और 99 मंदिर की ये मेरा और इनमें हिंडोले, महाबिलन हिंडोले, एक एक हिंडोले में आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखिया झूमती है और यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है चबच्चों पर, चारों तरफ से हिंडोले आते हैं, जब हिंडोले इन चबच्चे की तरफ चलते हैं तो जंजीरें खुलने लगती हैं और पुनः जब मोड़ते हैं तो जंजीरें लिपटने लगती हैं, तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, इन चबच्चों पर 4 हिंडोलों की ताली आती है, तो 56 चौक ऐसे हो गए 4 की 14 हारे जिन पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। तो हमने यहाँ पर चबच्चों की संख्या देखी, ये देखिए 16 पहली नहर में, ऐसे हमारे पास 6 हारे तो 96 चबच्चे, और यहाँ पर हम हिंडोले देखें तो हम हिंडोलों की शोभा को देखते हैं। राजकोट सुंदर साथ के इन प्रदर्शन से आड़ी खड़ी नहरें कटने से 5 की 15 हार चौक बने जिनमें 5 की 15 हार वृक्ष आए, अलग अलग बेशुभा रंगों में शोभायमान, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में सो मंदिर का डिफरेंस और इनकी मेहराबे आपस में बनती है और उनमें हिंडोले। तो यहाँ से हम देखेंगे ये अपने पास 15 वृक्ष है, इनमें 14 मेहराबे हुई, 14 ही हिंडोले हुए, 14 हिंडोलों की यहाँ पर 5 हारे, और ऐसे देखेंगे उत्तर से दक्षिण तो 5 वृक्षों के मध्य 4 मेहराबे हुई, 4 हिंडोले हुए, 4 हिंडोलों की 15 हारे, तो 130 हिंडोले तले की भूमिका में, इस तरह से ऊपरा ऊपर चारों भूमि हिंडोले, अति सुंदर विशाल हिंडोले। तो ये हिंडोलों की शोभा हुई,
वृक्षों की मेहराबों ने कैसे आपस में मिलान किया है वो सुंदर शोभा, और एक एक वृक्ष की सुंदर शोभा को देखें, एक पद एक पीपल, एक पद और एक पीपल, और ये वृक्ष आपस में एक रूप मिलान करके पहले ही भूम में पूरा एक कल चंद्रमा करते हुए नहरे चबच्चे तले की भूमिका में ऊपरा ऊपर तले भी फूल ऊपर भी फूल और फूलों के हिंडोले, जो नहरे चबच्चों पे झूलने के आनंद है वो सर्वप्रथम भूमिका में है। चांदनी पर भी चार चबच्चों की शोभा आई है, 96 चबच्चे तले की भूमिका में और चार चबच्चे चांदनी पर, और लालदास जी महाराज जी की बड़ी वृत्ति के हिसाब से महामती कृत खिंड बड़ी वृत्ति के हिसाब से कई नहरे तापर चले कई फुहारे उछल, इस शोभा नूर जमाल की क्या कही जुबा सुपन की। बट पीपल की चांदनी पर चारों कोनों में विशाल चबच्चे पर छोटे चबच्चों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कई नहरें चल रही हैं कई फुहारे उछल रही हैं, तो अति सुंदर शोभा। अब हम शोभा देखते हैं मिलान की। बट पीपल की चौकी ने भूम दर भूम मिलान किया है, हमने अभी शोभा देखी नहरों की चबच्चों की हिंडोलों की वृक्षों की मिलान की। अब शोभा देखते हैं किन वृक्षों ने रंग मैल से कैसे मिलान किया। ये देखिए इन वृक्ष को देखते हैं 44 44 प्लस 12, तो इन सभी वृक्षों ने 100 हाथ ऊंचाई पर एकल चंद्रमा किया है। अब ये छत्री मंडल रंग महल की तरफ बढ़ता है, यहाँ से इस महल की तरफ 49 मंदिर.28 हाथ, क्योंकि 22 हाथ की जगह में सीढ़ियां चढ़नी है। तो हम यूं मान के चले आसान शब्दों में कि अपनी जोड़ इन एक मंदिर की रोंस के साथ लगती ये नहर की रोंस आई है, इनके भीतरी तरफ इस स्थान पर 22 सीढ़ियां बननी शुरू हुई। एक सीढ़ी चढ़ी ऊंचाई ली, फिर पुनः एक सीढ़ी, ऐसी 22 हाथ की ऊंचाई, 22 हाथ की ऊंचाई लेकर वृक्षों का ये छत्री मंडल रंग महल की झरोखों के साथ एक सूत्र मिलान करता हुआ। अब हम यहाँ पे इन रोज पे हैं, तो वृक्षों का छत्री मंडल 122 हाथ की ऊंचाई पर, यहाँ से वृक्षों का छत्री मंडल 100 हाथ की ऊंचाई पर, चांदी के चबूतरे से वृक्ष का छत्री मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर, इन धाम रोज से वृक्षों का छत्री मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर। अगर मान लीजिए हम पहली भूम के मंदिरों में हैं, मध्य मेराब से होकर सीढ़ियां चढ़कर झरोखे में आते हैं, चरोखे को पार करते हैं, आगे 195 हाथ ये छत्री मंडल चलते हैं, फिर हम 22 सीढ़ियां उतरकर इन वनों की एकल चांदनी पर आ जाएंगे। तो इन वृक्षों की दूसरी भूम ने पहली भूम के चरोखों से मिलान किया है, पर तीसरी भूम ने इन चंद्रमा ने सीधा जाके रंग महल के दूसरी भूम के छज्जों से एक रूप मिलान किया है। तो इन चंद्रमा से ये चंद्रमा 78 हाथ पर और इन चंद्रमा से ये चंद्रमा 100 हाथ पे ऊपरा ऊपर 100 हाथ पे आएंगे। तो हम इन मंदिरों से निकलेंगे एक सीढ़ी नीचे छज्जे पे और छज्जे से सीधा दौड़ते हुए वनों में आ जाएंगे। तो इस तरह से मिलान होता हुआ और इनकी चांदनी से हम निरथ की भूमि में जा सकते हैं। बट पीपल की चौकी की चांदनी से मेरठ की भूम में जा सकते हैं। यहाँ पे युगल दास महाराज जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कि ये जो इस शोभा को देखते हैं पहले कि रंग महल की दक्षिण दिशा में ये हम मान के चले बट पीपल की चौकी की चांदनी, तो महाराज शिव जी कहते हैं चांदनी की पूर्व किनार से 86 मंदिर चले और रंग महल की तरफ नजर करें, तो यहीं से एक के बाद एक मंदिरों के द्वार खुलते चले जाएंगे और आपकी नजर इन नीरथ की हवेली तक पहुंच जाएगी। इन पहली हार मंदिरों से नीरथ की हवेली तक मंदिर गिनते हैं तो 86 मंदिर ही होते हैं। तो ये सुंदर शोभा बट पीपल की चौकी की चांदनी के पूर्व से 86 मंदिर चले पश्चिम की ओर और नजर रंग महल की ओर करें
तो एक ही बार एक द्वार आपके लिए खुलते हुए और आपकी नजर नीरज की हवेली में जाती हुई। तो बड़ी प्यारी सी शोभा। अब इन संपूर्ण शोभा को खड़े दृश्यों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा की इन थाम रोज पर हमारे 22-7 ऊपर वृक्षों का छत्री मंडप और यहाँ से चांदों से सीढ़ियां इन एक मंदिर की रोज पर उतरी। आगे पहला नहर का चबूतरा आड़ा, ऐसे 6 आड़े नहर के चबूतरे खड़े 16, उनके मध्य 5 की 15 हार ये चौक बने। एक एक चौक की बड़ी प्यारी सी शोभा। चारों दिशाओं में नहरें, भूम पर गहरी नहरें 50 हाथ में, 25-25 हाथ में रोसे रोसों पर सुंदर बैठ के चारों कोनों में जय बच्चे। एक एक जय बच्चे से उठते 5-5 फवारे ऊपर की ओर जाते हुए उन्हें उसी चबच्चे में समाते हुए और एक एक चबच्चे पर चारों तरफ से हिंडोले आकर एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। विशाल हिंडोला, वृक्षों की सुंदर शोभा, उनकी मेहराबों में हिंडोले। पांच की 15 हार चौक, 5 की 15 हार वृक्ष, एक पट और एक पीपल का, और इन 5 वृक्षों में 4 मेहराबे बनी। तो 4 हिंडोलों की 15 हारे पूर्व से पश्चिम और ये 15 में 14 मेहराबे, तो 14 हिंडोलों की 5 हारे उत्तर से दक्षिण, इस तरह से हिंडोले। और इन पहली नहर में आड़ी खड़ी नहरें कटने से पहली नहर में 16 चबच्चे, 16 चबच्चों की 6 हारे कुल 96 चबच्चे और 4 चबच्चे चांदने पर कुल 100 चबच्चे। एक चौक की शोभा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, ठीक मध्य 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर वृक्ष वृक्ष का मिलान आपस में होता हुआ। और रंग महल जो वनों की दूसरी भूमि में रंग महल की पहली भूमि के झरोखों से मिलान करती हुई, तीसरी भूम दूसरी भूम के छज्जों से मिलान करती हुई, ऐसे उपरा ऊपर इन वनों की सभी भूमों का मिलान रंगमहल से होता हुआ, पांचवी चांदनी का मिलान रंगमहल की चौथी भूम से होता हुआ, वहां से दौड़ते हुए नीरज की भूम में चलते। अब पूर्व में देखेंगे 2 मंदिर की रोज, इस पर वृक्षों की 2 हारे, 2-2 मंदिर के अंतर पर 2 भूम, तीसरी चांदनी। दक्षिण दिशा में 2 मंदिर की रोज, बट पीपल की चौकी और कुंजनी कुंज में, 1 मंदिर का स्थान बट पीपल की चौकी का, 1 मंदिर का स्थान कुंजनी कुंज का। और इनके पश्चिम तरफ देखेंगे तो ये जो पश्चिम नहर का चबूतरा आया है, इसकी पश्चिम रोज के साथ बड़ो वन के वृक्ष, तो इनकी चांदनी हो जाती है बट पीपल की चौकी की चांदनी 502 मंदिर की। तो चोरी 502 मंदिर की चोरी, क्योंकि इन चांदनी का मिलान मंदिरों से होता है और इधर मिलान होता है बड़ो वन से, तो 502 मंदिर की चोरी और 1500 मंदिर की लंबी, क्योंकि इस तरह से हद पट पीपल की चौकी की नहर से नहर तक है। नहर की इस किनारे जो रोस है वो नारंगी वन की है और इस किनारे जो रोस है वो बड़ो वन की है। बड़ोवन की वृक्ष आ रही है और इधर नारंगी वन की वृक्ष आ रही है। अब हम देखते हैं ये 502 मंदिर कैसे हुए, ये शोभा को देखते हैं। इन पहले आड़ी नहर से छठी आड़ी नहर तक 498 मंदिर हुए। 2 मंदिर की छत्री मंडप रंग महल की ओर बड़ा मिलान करने के लिए और 2 मंदिर का छत्री मंडल बड़ोवन से मिलान करने के लिए बड़ा, तो ये 4 मंदिर बढ़ जाती हैं। तो चौड़ाई में जो छत्री मंडल है, चांदनी है, वो हो जाती है 502 मंदिर की। भूम दर भूम रंगमहल से मिलान होता हुआ और इधर बड़ोवन से मिलान होता हुआ। तो सुंदर शोभा, हम चांदनी पर है पूरब की ओर देखते हैं। तो पूरब में कठेड़ा, आगे नारंगी वन की चांदनी 2 भूम, तीसरी। दक्षिण दिशा में बड़ो वन के साथ 1 रूप मिलान होता हुआ और बड़ो वन के वृक्ष 1 भूम ऊंचे जाते नजर आते हैं। पश्चिम दिशा में भी 1 भूम ऊंचे जाते वृक्ष और उत्तर दिशा में रंग महल की चौथी भूम, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और ऊपर चांदनी की दहलान नजरों में आती हुई, गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका
कंगूरे कांगरी सब नजरों में आता हुआ। तो अति प्यारी शोभा आइए पिय संग इन हिंडोलों में, लहरों पर झूले फूलों में झूले, दौड़ते हुए कभी बड़ो वन की चांदनी पर तो कभी रंग महल में जाए, तो अति सुंदर शोभा बट पीपल की चौकी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।